आज के दिन की फर्स्ट अपडेट बोहेमिया पाजी के बारे में है। तो बोहेमिया पाजी की मैनेजमेंट टीम हाई लाइफ बहरेन ने रिसेंटली एक आर्टिस्ट असाइंड किया था, अब्दुल्ला मुजफ्फर। तो अभी अब्दुल्ला मुजफ्फर के साथ बोहेमिया पाजी का कोलैब आने वाला है। अब्दुल्ला मुजफ्फर का कहना है वी कमिंग, एंड पाकिस्तानी एक्टर इमरान अशरफ का कहना था कॉन्ग्रेचुलेशंस माई यंगर ब्रदर अब्दुल्ला मुजफ्फर, आई एम प्राउड यू आर गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद द लिविंग लेजेंड बोहेमिया इन अ प्रोजेक्ट। तो अब बात कर लेते हैं उमर अंजुम के बारे में। तो उमर अंजुम को तला अंजुम के साथ कोलैब के बारे में कहा जाता है। उमर एक्स तला अंजुम कब आएगा बता दे यार। तो उमर अंजुम का कहना था बगैर बताए पुल अप ऑन यू लाइक एजेंसी एल्बम के बारे में उनको कहा जाता है कुड वी एक्सपेक्ट एन एल्बम इन 2023। तो उमर अंजुम का कहना था एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, एंड उमर अंजुम का एक ट्रैक भी आने वाला है तुम मिले जो के 4 दिसंबर को ड्रॉप हो जाएगा। इसके अलावा उमर अंजुम ने इस साल के अपने स्पॉटिफाई स्टैट्स भी शेयर कर दिए हैं। तो उमर अंजुम के 907.5 के स्ट्रीम्स हैं और 107.7 के लिसनर्स। लास्ट ईयर उमर अंजुम के 100 के प्लस स्ट्रीम्स थे और 16 के प्लस लिसनर्स। उमर के इस साल 14.7 मिलियन स्ट्रीम्स हैं और 2.1 मिलियन लिसनर्स। तो इस पे स्पॉटिफाई पाकिस्तान का कहना था द यार्ड्स मे हैव बीन कोल्ड बट यू वर ऑन फायर, कॉन्ग्रेट्स ऑन अ मैजिकल ईयर उमर, 2023 इज कमिंग इन हॉट। तो अगली न्यूज कृष्णा के बारे में है। तो कृष्णा की एक वीडियो देखने को मिली है जिसमें कृष्णा ने 10 पे 10 ट्रैक के मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात की है। 10 पे 10 ओरिजिनली मैंने एक्चुअली काफी टाइम पहले लिखा था, पर उस टाइम पे मेरे को बीट सही नहीं लगी थी उसकी, सो आई वेटेड टिल आई फाउंड द राइट बीट व्हिच वाज अ कपल ऑफ मंथ्स अगो। फिर मैंने उस पे मेरे 2 वर्सेस थे इनिशियली, एक वर्स रखा एंड आई वांटेड इट टू बी एन ऑथेंटिक ड्रिल सॉन्ग बिकॉज सजाए मौत वॉज ऑल्सो वेरी ऑथेंटिक इन माई फ्लो एंड एवरीथिंग। सो मैं चाह रहा था कि अगर एक बार करूंगा तो वो भी ऑथेंटिक होना चाहिए। सो आई वॉज एनी वे गोइंग टू द UK टू शूट आई गेस। सो उसमें हमने सोचा यार एक UK से किसी को डालना चाहिए दैट डज ड्रिल, एंड फ्रेंच वॉज आई थिंक द परफेक्ट कैंडिडेट। और उसके साथ जब बात किया इट वॉज रियली ईजी टू वर्क विद हिम, उसने अपना फटाफट वर्स भी कर दिया एंड वी वर एबल टू शूट द वीडियो एंड इट टर्न्ड आउट अमेजिंग। सो या तो अब बात कर लेते हैं हाई जोन रिकॉर्ड्स के बारे में। तो सोमी चौहान को Q&A में कहा जाता है कि क्या हाई जोन रिकॉर्ड्स यंग इस्लामाबादी रैपर्स को इन फ्यूचर अपने लेबल का पार्ट बनाएगा। तो सोमी चौहान का रिप्लाई करते हुए कहना है वंस वी आर डन विद आवर लीजिंग्स वी आर गोना बी डूइंग समथिंग रियली कूल फॉर द न्यू आर्टिस्ट्स, कीप इट लॉक्ड। तो फिलहाल यार इतनी अपडेट्स हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।